गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम बायोलॉजी टीचर फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़, क्लास 9। आज का टॉपिक हुआ टाइप्स ऑफ डिजीज। लास्ट क्लास में हमने किया था कॉजेज ऑफ डिजीज, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। तो डिजीज जो है वो दो टाइप की होती है, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होती है। क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें तो एक्यूट डिजीज के अंदर जो पेशेंट होता है उसके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं आता, सो नो बैड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। बट इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए क्या आता है, इफेक्ट आता है। थर्ड डिफरेंस आता है कि पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद फुल्ली ये पेशेंट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। कौन सी डिजीज के अंदर, एक्यूट डिजीज के अंदर। बट इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा आफ्टर ट्रीटमेंट, फुल्ली रिकवर नहीं हो पाएगा इसमें। नेक्स्ट डिफरेंस आता है नो लॉस ऑफ वेट। यहाँ पर वेट लॉस नहीं होता पेशेंट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए है, आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट ठीक हो जाएगा तो वेट लॉस होगा ही नहीं। बट यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज के अंदर क्या होता है, पेशेंट का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिजीज होती है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि एक्यूट डिजीज कौन सी होती है, क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है, तो एक्यूट डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, कफ, टाइफाइड, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। बट इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें एग्जांपल आता है टीबी, ठीक है, नेक्स्ट आता है डायबिटीज, कैंसर। ये डिजीज कौन सी है, क्रोनिक डिजीज होती है, लॉन्ग टर्म की डिजीज है, ये ज्यादा दिनों तक रहने वाली डिजीज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। नेक्स्ट आता है ये तो थी टाइम के बेसिस पर डिजीज, डिजीज के टाइप्स। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द डिजीज अकर सिंस बर्थ और आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कुछ एक डिजीज, कुछ एक डिजीज आफ्टर बर्थ आती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं। तो पहला आता है कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज वो डिजीज होती है जो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट एट सिंस बर्थ, ये बर्थ के टाइम पर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्जेनाइटल डिजीज जो है ये किस किस टाइप की होती है और किस वजह से होती है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है दिस मे बी कॉज्ड बाई, फर्स्ट आता है जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि जीन के अंदर म्यूटेशन, म्यूटेशन मीन चेंज, जीन के अंदर कोई चेंजमेंट होना, क्रोमोसोम के अंदर चेंज होना, तो इस वजह से जो भी मतलब कि यंग वन होगा उसके अंदर ऑलरेडी बर्थ के टाइम पर वो डिजीज प्रेजेंट मिलेगी। तो जीन के बेसिस पर होने वाली जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हीमोफीलिया, क्लर्क ब्लाइंडनेस, etc. नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी बर्थ के टाइम पर ऑलरेडी डिजीज प्रेजेंट मिलती है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो होने वाली डिजीज होती है वो कौन कौन सी होंगी, क्लेफ्ट पैलेट, नेक्स्ट है हेयर लॉस। तो ये वो डिजीज हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बर्थ के टाइम पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। तो ये तो हुई कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल मीन्स सिंस बर्थ, बर्थ के टाइम पर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। किस किस वजह से होती है, जीन म्यूटेशन की वजह से या फिर क्रोमोजोम्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से। सेकेंड आता है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो ये तो हुआ कि बर्थ के टाइम पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी डिजीज। दूसरा आता है आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो डिजीज होती है, तो सेकंड टाइप आएगा और उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। वो कौन सी डिजीज
होती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती है? दीज डिजीज डेवलप आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद होने वाली जो डिजीज होती है। अभी बर्थ के बाद होने वाली जो डिजीज होती है ये भी काफी टाइप की आती है, इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस भी होती है, वो डिपेंड करता है। तो इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है, कौन सी डिजीज होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टाइप्स ऑफ डिजीज एंड थैंक्स।